नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर गीवर। तो आज मेरा गार्डन काफ़ी गंदा है क्योंकि 2-3 दिनों से मैं पौधे की रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उसमें काफ़ी सॉइल इधर उधर हो जाती है और बहुत दिनों से सफाई भी नहीं किया था, तो प्लांट भी इधर उधर रखे हैं क्योंकि कुछ वीडियोस भी, शॉपिंग वीडियो भी शूट करना पड़ता है, इसलिए प्लांट को कई बार एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ता है ताकि बैकग्राउंड जो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो जो अच्छे प्लांट होते हैं उन्हें बैकग्राउंड के लिए मैं यूज़ कर लेता हूं और कोशिश करता हूं कि हर बार बैकग्राउंड में कुछ नए पौधे रखे हों। तो फ़िलहाल मैंने पौधों को अरेंज कर लिया है और थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं जो देखने में उतने सुंदर लग नहीं रहे हैं या फिर उनका टाइम अब जाने वाला है क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं नर्सरी विज़िट करूँगा, तो कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट भी लेकर आऊँगा। वैसे सीड से भी मैंने ग्रो किया था तो वो भी अभी ग्रो हो चुके हैं, अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला है। तो पहले मैंने सोचा कि सफाई कर लेता हूँ, पौधे को अरेंज कर लेता हूँ, फिर 1-2 दिन में नर्सरी विज़िट करूँगा। और एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, मेरे गार्डन के कॉर्नर है जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि उससे मैं इस दिवाली डेकोरेट करूँ अच्छे से। तो उसके लिए मुझे कुछ शॉपिंग करनी पड़ी है, मैंने शॉपिंग ऑर्डर कर दिया है, बस 1-2 दिनों में वो आ जाएंगे, तो उस पर मैं काम करने लगूँगा और कुछ दिनों में, लगभग 10-15 दिनों में मैं वो कॉर्नर भी आपको सजा के दिखाऊँगा और कोशिश करूँगा कि बजट जो है वो कम से कम हो। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एरिया हो तो आप भी उसे डेकोरेट कर पाएँ। सभी के लिंक वगैरह मैं शेयर कर दूँगा, सभी मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया हुआ है क्योंकि नर्सरी जाना अभी फ़िलहाल उतना हो नहीं पा रहा है और कई बार नर्सरी में जो लेने जाता हूँ वो मिलता नहीं है, उसकी जगह पर कुछ और ही उठा के ले आता हूँ, तो ऑनलाइन ही मुझे मिल गए थे, प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था, तो मैंने उन्हें परचेस कर लिया। कुछ प्लांटर उसी के हिसाब से जो वहाँ पर अच्छे लगेंगे उसके हिसाब से मैंने परचेस किए हुए हैं। और पहले सोचा कि अपने गार्डन को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेता हूँ, साइड साइड में ही पौधे को रख रहा हूँ। और फिर पिटूनिया मुझे लाने हैं क्योंकि पिटूनिया काफ़ी कलरफुल रहता है और विंटर में बहुत दिनों तक उस पर ब्लूमिंग होती है, तो पिटूनिया तो मुझे लाना ही है। और इसके अलावा भी कुछ पौधे मैं ले आऊँगा, वैसे तो सैपलिंग बहुत ज़्यादा है तो प्लांटर खाली इस बार बचेंगे ही नहीं। और देख सकते हैं इस तरह से भी मैंने स्टैंड बना लिया है क्योंकि गमले भी थोड़े बहुत खाली पड़े थे, पर्सलिन और पोर्चू ला करके मैंने खाली किए हैं, तो उसी के प्लांटर खाली थे तो स्टैंड मैंने बना लिया है। और कुछ दिनों में नर्सरी विज़िट करूँगा तो इस सिंगल वाले और भी स्टैंड ले आऊँगा, इसे छत पर ऐसे रखते हैं तो सीलन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती और सफाई करना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देख सकते हैं पौधे भी फ़िलहाल आपको डल भी लग रहे होंगे क्योंकि वाटरिंग भी मुझे करना है, कल मैंने वाटरिंग भी नहीं किया था और सुबह मैं जल्दी से छत पर आ गया हूँ ताकि सफाई अच्छे से हो जाए, उसके बाद मैं वाटरिंग कर दूँ। फ़िलहाल अभी झाड़ू लगा रहा हूँ, धूप लग रही है तो गर्मी उतनी लगती नहीं क्योंकि मौसम अब चेंज होने लगा है, तो सुबह इस तरह से गार्डनिंग में काम करते हैं तो आपको धूप भी आपको लग जाती है अच्छे से, तो दिन भी अच्छा जाता है, विटामिन डी भी आपको अच्छे से मिल जाता है। तो देख सकते हैं ये वही कॉर्नर है और डिब्बे वगैरह कबाड़ वगैरह का मैं यूज़ करके मैंने स्टैंड बनाया था, थोड़ा सा इसमें पेंट अब ख़राब होने लगा है क्योंकि वार्निश वगैरह का मैंने यूज़ नहीं किया था और अगली बार मैं इस तरह को कुछ बनाऊंगा तो वार्निश वगैरह यूज़ कर लूँगा। और पेंट बहुत लोग पूछते हैं कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो मैं जो घर में पड़ा होता है मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ, चाहे वो दीवार वाला वाटर पेंट हो या फिर लकड़ी वाला या फिर लोहे वाला ऑयल पेंट, जो मिलता है मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ और ख़रीद के तो नहीं लाता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने सोचा कि अभी सुबह मैं ये ग्लैडुलस के भी पड़े थे तो मैंने सोचा इन्हें भी ग्रो कर लेता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि बाद में मैं ये वीडियो शेयर करूँगा अपडेट के साथ, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए आज मैं ये शेयर कर लेता हूँ, बाद में मैं अपडेट के साथ शेयर कर लूँगा।
और ये ग्लैडुलस मैंने काफ़ी पहले मंगाए थे, प्लांट लवर पीयू से मंगाए थे, 10 रुपीज़ ईच में मुझे ये पड़ा था। और क्योंकि इस तरह के बल्ब मुझे फ़िलहाल ऑफलाइन मिल नहीं रहे थे तो ऑनलाइन मिले, तो ऑनलाइन ही मैंने परचेस कर लिया। 10 रुपीज़ ईच में थे, काफ़ी हेल्दी बल्ब्स थे, कुछ काफ़ी मेच्योर थे और कुछ थोड़े से छोटे थे, लेकिन ब्लूमिंग सभी में हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर की इनको ज़रूरत नहीं होती, 10 इंच में आप 4 से 5 बल्ब ईज़िली लगा सकते हैं। कुछ दिनों में, लगभग 10 दिनों में इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और 3 महीनों में ये ब्लूमिंग पर आ जाते हैं। बचपन में तो हमारे यहाँ खेत में ये बहुत सारे, हमारे खेत में तो नहीं, पड़ोसियों के खेत में ये बहुत सारे ग्रो किए जाते थे और वो लोग सेल करते थे, लेकिन अब फ़िलहाल ये काफ़ी कम देखने को मिलता है क्योंकि ज़मीन वगैरह बची नहीं है, तो गार्डनिंग में ही, मतलब गमलों में ही ये पौधे अक्सर देखने को मिलते हैं। ज़मीन पर जब हम ग्रो करते हैं बहुत हेल्दी ग्रो करते हैं, फ्लावर्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा रहता है, फ्लावर स्टॉक काफ़ी ह्यूज रहता है, लेकिन गमले में वही मिट्टी की कमी होती है, रूट्स को प्रॉपर बढ़ने के लिए स्पेस नहीं मिलता, इसलिए उतने अच्छे नहीं ग्रो कर पाते हैं। तो अपडेट के साथ मैं 1-2 दिनों में ये वीडियो शेयर करूँगा क्योंकि अभी तो फ़िलहाल उसमें ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है। और देख सकते हैं मिट्टी की बात करें तो मैंने गार्डन सॉइल 50% लिया है, 10% मैंने कोकोपीट लिया है, 20% मैंने काउडंग कंपोस्ट लिया है और 20% मैंने सैंड लिया है।